से सही बात है। ये लाडनू गांव के बाबा है ना, ये बोल सकते हैं ना इनके से, मतलब कुछ पिता जा रहा है गले से, क्योंकि इसके पिलाया जा रहा है के लिए, कुछ नहीं हो रहा है, ये खुद अपना जीवन, इनके परिवार में कोई नहीं है दुनिया में, ये अपना जीवन एक बार अपने काम से कर रहे थे, तीन चार महीने पहले गिरते वहाँ पर पीछे में, उनकी हड्डी टूट गई, गाँव वालों ने नहीं इनका ऑपरेशन करवा दिया, आज ये मेडिशन हो गई, इनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं, तो ये अपना घर आश्रम में इन्हें भेजा गया कि इनकी देखभाल। अपना घर एक विचारधारा है जिसका शुभारंभ 29 जून 2000 को हुआ था, कि जो भी बेसहारा, लावारिस, अनाथ, असहाय, कहीं सड़क के किनारे, रेलवे प्लेटफॉर्म के साइड में, जिनका अपना कोई नहीं है, जिन्हें अपने शरीर की सुध बुध नहीं है, उन्हें लेकर आता है, उन दवा उपचार, मतलब भोजन, दवा और पानी के अभाव में कोई भी व्यक्ति कहीं पे भी दम ना तोड़े, इसी परिकल्पना को साकार करने के लिए डॉक्टर बी एम भारद्वाज जी ने अपना घर आश्रम की शुभारम्भ किया, और ये 29 जून 2000 में भरतपुर से शुरुआत हुई। नोखा आश्रम की शुरुआत 2 सितंबर 2015 को हुई। यहाँ पे 33 प्रभु जी के साथ नोखा आश्रम की शुरुआत की गई। यहाँ से 3 किलोमीटर नोखा की तरफ रामपाल जी बागड़ी की भूमि में वहाँ पे प्रभु जी की सेवा का कार्य शुरू हुआ, और अभी 15 जनवरी 2020 को यहाँ पे नींव रखी गई, और अभी 5 सितंबर को लोकार्पण का कार्यक्रम हुआ। यहाँ पे अभी 200 प्रभु जी की सेवा का कार्य चल रहा है। और यहाँ पे जब आपने एंटर किया तो फर्स्ट जो अन्नपूर्णा प्रसादालय है उसका निर्माण जो नोखा कस्बा है उसकी बेटियाँ करवा रही है, केवल बेटियों ने, 1000 बेटियों ने मिलकर और उस अन्नपूर्णा प्रसादालय का निर्माण किया है। एक बेटी 11000 की राशि दी है एक बेटी ने, और उस राशि से 1,11,00,000 से उस भवन का निर्माण करवाया। आप घरा पर आए तो यहाँ प्रभु जी को देखा, जो यहाँ पर रह रहे हैं उनको प्रभु जी बोलते हैं, ठाकुर जी इन पर पूरी मेहरबानी करते हैं, आपका क्या कहना सर इसके बारे में? भगवान साथ साथ है, यही कहना चाहूँगा, जिस तरह बताया अर्जी लगाते हैं वो पूरी होती है, भगवान साथ साथ है हर जगह पे, संता के केंद्र खुले हुए हैं, भरतपुर में बताया वहाँ भी मैं जाऊँगा, हमें इसका प्रचार करना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा सब जगह, ये चीज़ बीकानेर है तो इसमें ना रह जाए, ताकि लोग और जुड़े, मानवता की सेवा के लिए आगे आए, इस संस्था की मदद करें, क्योंकि संस्था ईमानदारी से काम कर रही है, सारी बिल्डिंग देख रहे हैं, सब ईमानदारी से सब कुछ हो रहा है।